वेलकम बैक गाइस, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्यार दिया और मुझे इतना सपोर्ट किया। आज हम इस वीडियो के एपिसोड में लो ब्लड प्रेशर को कैसे ट्रीट करते हैं और उसकी कौन सी मेडिसिन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने जिस टैबलेट का रिव्यू दिया है उसका नाम है मिडोड्रिन। पहले मैं इसकी कंपनी के बारे में बताऊँगा कि इसे कौन सी कंपनी बनाती है, फिर इसकी कीमत के बारे में, इसके प्राइस रेट के बारे में बताऊंगा, और फिर इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे, और फिर इसे कैसे लेना है और इसकी डोज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और लास्ट में गाइस इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। ये वो टैबलेट है जिसका यूज़ लो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए होता है, और गुरमेल ब्रदर्स इस टैबलेट की मार्केटिंग करते हैं। वहीं मैन्युफैक्चरर की बात करें तो इसे लेबियल फार्मा बनाती है, और इसकी कॉस्ट की बात करें तो 20 टैबलेट की कॉस्ट आपको 2500 रुपये पड़ जाती है। और इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो मिडोड्रिन इसका कॉम्पोजिशन है, और इसका ब्रांड है गुटरॉन 2.5 mg। और इसके यूजेस की बात करें तो इस टैबलेट का यूज़ लो ब्लड प्रेशर मतलब हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए होता है, और एक ख़ास प्रकार का हाइपोटेंशन होता है जिसे ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। ये एक प्रकार की कंडीशन है जिसमें अगर आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं और अगर आप एकदम से खड़े होते हैं तब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से कम हो जाता है। तो ये एक कंडीशन होती है जिसमें इस टैबलेट का यूज़ ख़ास तौर पर इस कंडीशन को दूर करने के लिए होता है, जिसे ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टैबलेट का सेवन आपने कैसे करना है। तो आप इस टैबलेट का सेवन पानी के साथ बिना खाना खाए या खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं हम इस टैबलेट की डोजेस की। तो सामान्य इस टैबलेट को आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है हाइपोटेंशन की मतलब लो ब्लड प्रेशर की तो इस टैबलेट की फॉर्म आती है 5.0 में, उस टैबलेट को आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर आपको तब भी इसकी दिक्कत रहती है तो आप वो टैबलेट दिन में 3 बार लें। आगे इस टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं जो इस टैबलेट के सेवन से हो जाती है, जैसे सिर में दर्द, कानों में खड़खड़ाहट, धुंधलापन, स्किन रैशेज, कमर में दर्द, ड्राई स्किन मतलब त्वचा का सूख जाना, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, ड्राउजीनेस मतलब नींद आना, नोजिया मतलब उल्टी जैसा फील होना, महसूस होना लेकिन उल्टी ना आना जिसे मितलाई भी बोलते हैं, और वोमिटिंग मतलब उल्टी आना, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आगे बात करते हैं कि इसका किन किन दवाइयों से इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर कुछ दवाइयों की सूची दी गई है, अगर आप इनमें से किसी भी दवाई का सेवन कर रहे हैं तो आप इस दवाई का सेवन ना करें क्योंकि इससे आपको इंटरेक्शन हो सकती है। आगे कुछ बीमारियों की भी इंटरेक्शन होती है और उसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको किडनी से रिलेटेड मतलब गुर्दे से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तब भी आप इस टैबलेट का सेवन ना करें, और अगर आपको लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तब भी आप इस टैबलेट का सेवन ना करें। तो गाइस अब बताता हूँ कि आपको ये टैबलेट कैसी दिखती है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ओह शिट, तो गाइस ये देखिए, ये टैबलेट आपको कुछ इस प्रकार मिलती है, देखिए।
और एक गोली आपको 125 रुपये की मिलती है। और गाइस एक बात है जो मैं आपको स्पेशली कहना चाहूँगा, इस टैबलेट का सेवन आप कार्डियोलॉजिस्ट के प्रेस्क्रिप्शन के बिना ना करें। एक बार आप इस टैबलेट का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की राय ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप बिना प्रेस्क्रिप्शन के या डॉक्टर की बिना मर्जी के इसका यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ओके, तो गाइस आज की हमारी वीडियो थी मिडोडरिन के ऊपर। अगर आपने और भी कोई सवाल हो आपके मन में या आपने कुछ पूछना हो मुझसे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं और उसका आंसर भी देता हूं। तो आप मुझसे पूछिए और मैं उसका जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन्स हैं वो आपको मिलती रहे, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो मैं आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जल्दी से मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।